हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये वर्ड्स जो हैं न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ताकि न्यूज़पेपर जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके, आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आप ज़्यादा बेहतर इन्जॉय कर सके। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे तक यानी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। तो फर्स्ट है लेजिस्लेटर यानी विधायक या फिर कानून बनाने वाला या नियम बनाने वाला। सेकंड है पोर्टफोलियो यानी मंत्री पद या फिर मिनिस्ट्री। थर्ड है पोल या इलेक्शन यानी चुनाव। स्नैप पोल या फिर मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि के चुनाव से मतलब है कि किसी कारण से चुनाव की अवधि लोकसभा जैसे 5 साल और राज्यसभा 6 वर्ष होता है और उसके पूरा होने से पहले अगर चुनाव करना पड़े या कराना पड़े तो उसे हम मध्यावधि चुनाव यानी स्नैप पॉल कहते हैं। फिफ्थ है फाइल नॉमिनेशन यानी पर्चा भरना चुनाव के लिए। इलेक्ट्रोएट यानी मतदाता यानी वोट देने वाले लोग। फिर नेक्स्ट है कैंडिडेट या फिर नॉमिनी यानी उम्मीदवार या फिर प्रत्याशी या अभ्यर्थी। एट्थ है फ्रे यानी चुनावी मैदान। नाइन्थ है मैंडेट या फिर वर्डिक्ट जनादेश यानी लोगों का वोट। मैनिफेस्टो चुनाव के पहले किसी पार्टी का नीति घोषणा पत्र या चुनाव के दौरान या पहले जो जनता के सामने राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके द्वारा जो अपने उनके जो सिद्धांत होते हैं और नीतियों के बारे में घोषणा करने को चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं। ज़्यादातर जैसे लुभावने वादे और नीतियों द्वारा मतदाताओं का ध्यान खींचा जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार का लैपटॉप देना या लड़कियों को साइकिल बांटना, तो ये सब जो है वो उनका मैनिफेस्टो के तहत आता है, मतलब उनकी नीतियां होती हैं कि हम ये करेंगे आगे। नेक्स्ट है टेक ओथ यानी शपथ लेना। फिर स्वेयर या टू वो यानी कसम खाना या शपथ लेना। फिर स्वेयरिंग फिर है स्वेयरिंग सेरेमनी यानी शपथ समारोह। डिप्लोमेसी यानी कूटनीति या फिर राजनीतिक कौशल या व्यवहार कौशल। जैसे किसी प्रॉब्लम को जब राजनीतिक तरीके से सॉल्व किया जाए यानी कि उसमें लड़ाई झगड़ा ना करें और राजनीतिक कोई सॉल्यूशन निकालें तो उसे हम बोलते हैं डिप्लोमेसी यानी कि राजनीति तरीके से। या फिर दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि जैसे कश्मीर इशू है शुड बी सेटल, उसको सेटल किया जाना चाहिए बाई डिप्लोमेसी नॉट वॉर, ना कि युद्ध से। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी निष्पक्ष चुनाव, उसमें मतलब कोई भी गलत तरीका ना अपनाया जाए, निष्पक्ष हो और कोई भी भेदभाव या कोई भी उल्टे सीधे तरीके से ना वो इलेक्शन किया जाए तो उसे हम बोलते हैं निष्पक्ष चुनाव। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 16 है रूल आउट यानी नकार देना या नकारना या खारिज करना। 17 है इलेक्ट्रॉल फेट यानी चुनावी भविष्य। फिर है कॉन्टेस्ट यानी चुनाव लड़ना, चुनावी मैदान में उतरना। टर्नआउट यानी उपस्थिति। फिर है वोटर टर्नआउट या रिकॉर्ड ऑफ वोटिंग, चुनाव के दौरान मतदाताओं की उपस्थिति। फिर है कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत। फिर है ट्रायंफ यानी जीत या विजय। फिर है इलेक्ट्रॉल राइट यानी निर्वाचन अधिकार या फिर चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार। फिर 24 है फ्रेंचाइज वोट यानी मताधिकार का प्रयोग करना। फिर है 25 यूनेनिमस सर्वसम्मति से या सबकी सहमति से। फिर नेक्स्ट है लेवल एलिगेशन यानी आरोप लगाना। 27 है स्टेक क्लेम फ्रॉम गवर्नमेंट यानी सरकार बनाने का दावा। फिर रिग या फिर ट्रिक या फ्रॉडुलेंस यानी धांधली या फिर गड़बड़ी करना या फिर छल या फिर कपट करना। फिर 29 है मेजोरिटी यानी बहुमत यानी कि बड़ा हिस्सा या फिर अधिकांश या फिर अधिक संख्या। नेक्स्ट है ये 30 है एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत यानी पूरा बहुमत। नेक्स्ट है फ्रेंड बूथ ग्रैबर यानी बूथ लुटेरा। ग्रैब द बूथ यानी बूथ लूटना। पोल या एनालिसिस चुनाव विश्लेषण। और फिर है रॉथ यानी गुस्सा या आक्रोश। 25 है टू बैक सीट यानी चुनाव में सीट प्राप्त करना।
फिर है वायोलेट यानी उल्लंघन करना, अपराध करना या बिगाड़ना। 27 है वायोलेशन ऑफ द मोड कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का उल्लंघन, यानी कि किसी भी तरह का इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी काम करना, उसे हम बोलते हैं आचार संहिता का उल्लंघन। फिर है कॉन्वॉय यानी काफिला। फिर 29 है मोटरकेड या फ्लीट यानी कार या फिर मोटर गाड़ी का काफिला। फिर 30 है फॉर्मर मिनिस्टर यानी भूतपूर्व या पिछले मंत्री। फिर है प्रोपेगेट यानी टू स्कैटर इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, यानी प्रचार करना। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग यानी पहले दौर के मतदान में या पहले दौर का मतदान। फिर है 33 इनकम्बेंट यानी पदासीन या फिर पदाधिकारी या फिर जिसका ऑफिस पर उस समय अधिकार हो, मतलब जो भी अधिकारी उस समय सत्ता में हो। जैसे एग्जांपल है नीतीश गवर्नमेंट इज इनकम्बेंट गवर्नमेंट इन बिहार, जैसे नीतीश की गवर्नमेंट है इस समय बिहार में, ऐसा। फिर 34 है डेलीगेशन यानी शिष्टमंडल या फिर प्रतिनिधिमंडल या कार्यभार सौंपना या अधिकार देना, ये डेलीगेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है